और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है। कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आलेख आता है, उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। आपको सही मायने में लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी ने बहुत सारी चीजें कही थी, लेकिन जब आप आज समाजवाद की बात करते हैं और समाजवाद की जो स्थिति देखते हैं, लोगों को लगता है ये अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक और अमानवीय हो गया है। लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और सही कहूं पूरा प्रदेश राम राज्य का पक्षधर बन चुका है। राम राज्य ये कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है, राम राज्य ये सर्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक, काल परिस्थिति से अप्रभावित एक शाश्वत व्यवस्था है, जो हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता रखती है। कोरोना आए या जाए, हम प्रदेश की जनता का बाल बांका नहीं होने देंगे वह क्षमता। और मुझे लगता है उस परिस्थिति के लिए हमें तैयार होना होगा। आप इसको कहते हैं कि इसके लिए हम पे लेवल लगता है, हम राष्ट्रवाद हैं, राष्ट्रवादी हैं, और ठीक है, हमें गर्व की अनुभूति होती है जब हम पे राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाया जाता है। हर व्यक्ति को होना चाहिए, और मेरा ये मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। तो चूहा बनने की बजाय राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है, और मुझे लगता है इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। उन चीजों को लेकर अगर हम आगे बढ़ सकें तो बहुत अच्छा होगा, और मैं चाहूंगा कि हमें इस दिशा में बहुत एक लंबी यात्रा प्रदेश के अंदर आगे बढ़ानी है। 25 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं हैं, आपसे भी, इस पक्ष से भी, सबसे, हर जनप्रतिनिधि से।